हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आज का जो एक टॉपिक जिसको हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है अबाउट लीगल एस्पेक्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। See, there is one saying, ठीक है, एक sentence, एक phrase है, ignorantia juris non excusat। Now ये जो phrase है, I think Latin phrase है, और इसका जो English meaning निकलता है, वो है कि ignorance of law is not an excuse। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, इवन जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो देर आर नॉट मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी आर अबाइड बाय, जिनको हमें फॉलो करना होता है। नॉर्मल हमारा जो कन्वर्सेशन होता है, जब हम इनफॉर्मल वे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पर ये जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो इतनी नहीं होती। बट वेन वी टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, जब बिजनेस के कंटेक्स में हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे बायलॉज होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है, जिनसे आप बंधे हुए होते हैं, और उनको आपको फॉलो करना ही है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं देन देयर मे अराइज लाइक चांसेस ऑफ कैरिंग आउट सम लीगल इंक्वायरीज अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कुछ लाइक लीगल सूट्स फाइल हो सकता है एंड ऑल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, यू हैव टू बी क्वाइट पर्टिकुलर अबाउट योर चॉइस ऑफ वर्ड्स जो आप बात करते हैं, ठीक है। बिकॉज जब मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, जब बिजनेस में बात करने की बात आती है, तो बिजनेस में यू आर नॉट दी ओनली वन, ठीक है। देखिए, कम्युनिकेशन जो है इट इज टू वे प्रोसेस है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में आप डील करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, आप डायलॉग शेयर करते हैं किसके साथ, आपके वेंडर्स के साथ, आपके सप्लायर्स के साथ, आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ। अब इनके साथ जो भी आप बात करते हैं, ठीक है, लेट से अगर मैं कस्टमर्स के साथ आपके इंटरेक्शन की बात करता हूं, लेट से आप कस्टमर को कुछ कमिट करते हैं, ठीक है, अगर कस्टमर्स को आप कुछ वारंटीज गारंटीज ऑफर करते हैं, तो वहां पर अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, अगर किसी तरह का नॉन कंफर्मेशन आता है, नॉन कंफर्मेंस आता है, ठीक है, तो वो सीधा सीधा लीगल लाइक उसके रिपरकेशंस आपको फेस करने को मिल सकते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको उसके फेस करने को मिल सकते हैं, ठीक है। वहां पर जैसे आप देखते हो, ये होता है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, उपभोक्ता केंद्र, ठीक है, अगर किसी तरह का आप फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अगर किसी तरह का आप फ्रॉड करते हैं कस्टमर के साथ, अगर आप उसको डिसीव करते हो, तो सीधा सीधा कस्टमर कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू, वो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट ले सकता है। तो जो भी आप वारंटी क्लेम करते हैं, जो भी आप गारंटी क्लेम करते हैं, या किसी भी तरह के ऑफर डिस्काउंट रिबेट्स जो भी आप ऑफर करते हैं, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होने की जरूरत है उन सब चीजों को लेकर, क्योंकि उनकी अपनी लीगल इम्प्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो ये जो सारा कुछ है, ये जो कम्युनिकेशन हम करते हैं विद वेरियस पार्टीज जो कि आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, उनके साथ जो भी आप कम्युनिकेट करते हो, उस कम्युनिकेशन के ऊपर लाइक लीगल जो इम्प्लीकेशंस आती हैं, उसी को हम लीगल एस्पेक्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ एक्सप्रेस करते हैं। अब जो हमने बात किया इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजैट, इस फ्रेज के ऊपर हमने डिस्कशन किया,
अब अगर मैं बोलूं लाइक लीगल एस्पेक्ट जो है इन बिजनेस कम्युनिकेशन वो क्या है, तो इट इज द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन सो एज टू एंश्योर देयर कॉन्फॉर्मिटी विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंट्री। सी हर एक कंट्री के या जिस भी कंटेक्स्ट में हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी कंट्री के साथ हम अपना बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं, जिस भी कंट्री के पीपल के साथ हम हमारे बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं, यू मस्ट बी नोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री। तो जिस भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं उसके साथ हम कन्फर्मिटी में रहें, तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा, जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा हो, वहां पर अप्रोप्रिएट वर्ड्स हम यूज करें, हम ऑनेस्ट रहें, हम लाइक सिंसियर रहें, ठीक है, और हम उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज को फॉलो करें, उसको इंश्योर करें, वही लीगल एस्पेक्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो इट इज द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन सो एज टू इंश्योर देयर कन्फॉर्मिटी विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंट्री। फिर अगर मैं बात करता हूँ, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि एक्ट करती है एविडेंस और एग्जिबिट, ठीक है, हम देखते हैं बिजनेस के अंदर लाइक आप मेल्स करते हैं, मेजर जो कम्युनिकेशन होता है इन टुडे सिनेरियो वो या तो हम मेल के थ्रू करते हैं, हम लाइक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, कंपनीज के कस्टमर केयर होते हैं, ठीक है, तो वो कस्टमर केयर में आप देखते हो ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो अगर मैं रिकॉर्डेड कॉल की बात करूं, किसी एक टेप की बात करूं, किसी ऑडियो विजुअल की बात करूं, ठीक है, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है, किसी तरह का मार्केटिंग कम्युनिकेशन या मैसेज है जो आप तक पहुंचाया गया है फ्रॉम द कंपनी साइड, मे बी थ्रू टेक्स्ट, मे बी थ्रू मेल, तो एसएमएस के थ्रू गया हुआ हो या ईमेल के थ्रू गया हुआ, ये सारा जो स्टेटमेंट है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इन पर्टिकुलर फॉर्म्स में, उसको हम एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, लीगल इम्प्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको हम एविडेंस या एग्जिबिट के तौर पे यूज कर सकते हैं, इन केस जब लीगल इंक्वायरीज कैरी आउट की जाती है, जब कोई जुडिशरी प्रोसेसिंग जो है प्रोसीडिंग परफॉर्म की जाएगी, तो वहां पर इन चीजों को हम एस प्रूफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लाइक अगर आप लाइक इफ यू आर एट द रिसीविंग एंड, ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वहां पर आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं एज एविडेंस। फिर स्पीच राइटिंग एंड कन्वर्सेशन, जब मैं बात करता हूं लीगल एस्पेक्ट्स की, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर मे बी चाहे वो स्पीच के थ्रू या फिर राइटिंग में हो या फिर कन्वर्सेशन हो, लाइक स्पीच के थ्रू मे बी अगर किसी ने कुछ ओरल कम्युनिकेशन आपके साथ किया है, मे बी जब एक सेल्स पिच की मैं बात करता हूँ, जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रोडक्ट के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करता है, तो वो जो चीज़ है उसका जो स्पीच है उसकी जो वर्ड्स है वो, तो वहां पर वो जो जिस तरह के वर्ड्स यूज करता है, जो लीगल फ्रेजेस वो वहां पर यूज करता है, ठीक है, वो सब लीगल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। देन अगर मैं बात करता हूँ राइटिंग में, इफ एनीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, अगर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है, राइटिंग में है, अगर वो रिटन वर्ड्स के फॉर्म में कुछ चीजें आपको कन्वे की गई है, तो वो भी एक लाइक कहीं ना कहीं पार्ट है आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का, लीगल एस्पेक्ट। और फाइनली जो कन्वर्सेशन, ठीक है, जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है वो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कवरअप किया जाता है। अगर मैं स्कोप की बात करूं या सब्जेक्ट मैटर की बात करता हूं, तो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट या ऑल दिस पॉइंट्स आर बीइंग कवर्ड
अंडर द स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब देखिए यहां पर आप पहली चीज देख के रखिए प्रोडक्ट डिस्क्लेमर्स। आप देखते हो कि कंपनी जो है वो क्लेम करती है, ठीक है, कंपनी जो है वो बहुत सारी चीजें कमिट भी करती है और क्लेम भी करती है, ठीक है। तो कंपनी के कमिटमेंट्स बैक्ड अप बाय सर्टेन क्लेम्स। जब मैं प्रोडक्ट डिस्क्लेमर्स की बात करता हूँ, आप देखते हो कई बार लाइक जैसे फॉर अगर मैं बात करूँ कुछ हजार्डियस इम्पैक्ट हो है, कुछ साइड इफेक्ट अगर हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव अगर एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, तो वहां पर कंपनी क्लियरली उस चीज को मेंशन करती है। जैसे जब आप बात करते हो वार्निंग होती है, स्टेटरी वार्निंग आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं टोबैको या रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, तो वहां पे आप देखते हो लाइक स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग इज इंजीनियस टू हेल्थ, च्यूइंग ऑफ टोबैको इज इंजीनियस टू हेल्थ। अब टोबैको प्रोडक्ट्स लेट्स से सिगरेट या अदर थिंग्स अदर प्रोडक्ट्स, तो वहां पर एक स्टेटरी वार्निंग आपको उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलेगी, ठीक है। वैसे ही लाइक जब आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको यूज करना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो वो सब चीजें जो है वो आपके प्रोडक्ट डिस्क्लेमर के अंदर जाता है। तो प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे उसको डील करना है, क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकता है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिस्क्लेमर का पार्ट होता है। एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं लीगल डिस्क्लोजर, आप देखिए म्यूचुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है, म्यूचुअल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो म्यूचुअल प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। अब ये जो है वो भी एक तरह का डिस्क्लेमर भी है, एट द सेम टाइम वो एक लीगल डिस्क्लोजर भी है कि सच एंड सच थिंग्स कैन हैपन और इसके कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, एंड वी आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो जहां पर आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उसकी लीगल जो भी है इम्प्लीकेशंस उसको प्रायर कस्टमर के नॉलेज में लेके आते हैं, तो लीगल जो डिस्क्लोजर होता है वो भी लाइक एक तरह का डिस्क्लेमर भी होता है। तो डिस्क्लेमर और लीगल डिस्क्लोजर ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, कई बार इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर लिया जाता है, बट स्टिल देयर इज समवॉट डिफरेंस बिटवीन द टू। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मे टेक प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक आपकी जो सेल्स पिच होती है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो आपका प्रमोशनल मटेरियल होता है, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, ठीक है, आपके ब्रोशर्स होते हैं, आपके लीफलेट्स होते हैं, अब उसमें जो भी चीज आपने मेंशन की है, ठीक है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन यहां पर चांसेस हैं आपके, अगर आपने कुछ रॉन्ग कमिटमेंट या फॉल्स कमिटमेंट किए हैं तो लीगल इंक्वायरीज आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन, चाहे जो पर्सन है, जो डायरेक्ट सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो डायरेक्ट सेल्स टीम जो आपकी है उसकी जो सेल्स पिच होती है वहां पर वो जो डिलीवर करते हैं उसकी अगर मैं बात करता हूँ, लाइक कन्विंस करने के लिए, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए आप जो भी उसके सामने स्टेटमेंट्स दोगे वो सब सेल्स पिच का पार्ट है। जिस भी वे में आप प्रोजेक्ट करोगे अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के सामने वो सेल्स पिच का पार्ट है। फिर एडवर्टीजमेंट जब हम बात करते हैं, कॉमर्शियल्स की जब मैं बात करता हूँ, टीवी कॉमर्शियल हुआ या इवन प्रिंट कॉमर्शियल हुआ, या अगर मैं प्रेस रिलीज की भी बात करता हूँ, तो वो सब कहीं ना कहीं मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है। और मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीके का स्कोप या सब्जेक्ट मैटर होगा आपका लीगल एस्पेक्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स द रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। रिपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, रिपोर्ट्स यूजुअली प्रिपेयर की जाती है फॉर पासिंग ऑन सम वैल्यूएबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन, या कुछ टाइम बाउंडेड इंफॉर्मेशन जो है, जब आप किसी को बताना चाहते हैं, किसी को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट्स के अंदर जाएगा। और रिपोर्ट्स यूजुअली आप या तो इन्वेस्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रोजेक्शंस होते हैं, जो आ
आपका परफॉर्मेंस है, तो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को लेकर आप कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं, अगर फ्रेश कुछ वेंचर है आपका, या अगर आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं या कुछ और है, तो वहां पर जब हम बात करें तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के पर्पस से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उनसे प्राप्त करने के पर्पस से आप क्या करते हो, कुछ रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स होती है ये ब्रीफिंग्स देती हैं अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर परफॉर्मेंस, अबाउट योर प्रोजेक्शंस। तो वो इन्वेस्टर्स के लिए मेंट होती है, जो आपके मैनेजमेंट पीपल हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपके रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग बॉडीज, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस को लाइसेंस करती है या गवर्न करती है, ठीक है, उनके पर्पस से होती है। तो इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स या फिर जनरल पब्लिक, इनके लिए कुछ आप रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। वहां पर यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि वो जो है वो भी एक तरह का बेस आपको देता है, जिसके बेसिस पे, ठीक है, कोई भी आपको टारगेट कर सकता है, किसी तरह की आपकी लीगल इंक्वायरी अगेंस्ट आपके अगेंस्ट दे सकता है। देन कम्स द इंटरनल कम्युनिकेशन। अगर मैं इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करूं, मेमो, सर्कुलर, लेटर्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ये सब जो है ये भी लीगल एविडेंस या एग्जिबिट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन आपका जिस भी तरीके से होता है, इवन कॉल्स की जब मैं बात करता हूँ, फोन कॉल्स, ठीक है, फोन कॉल पे जब आप अपने लेट्स से अगर किसी एम्प्लॉय को थ्रेट करते हैं या जो भी है, तो उस तरीके से भी थिंग्स में गो रॉन्ग, ठीक है, वो आपके अगेंस्ट जा सकती है चीजें। तो आपको इंटरनल कम्युनिकेशन, चाहे आप किसी को मेमो दे रहे हो, आपने कोई सर्कुलर इशू दिया किया हो, कोई शो को नोटिस आपने लिखा हो, तो वहां पर भी जो भी आपकी वर्डिंग्स हैं, वो वर्डिंग्स हार्श, बहुत ज्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। वहां पर भी यू हैव टू मेंटेन लाइक योर ओन, आप अपनी इंटीग्रिटी भी मेंटेन करके चले, एट द सेम टाइम डिग्निटी ऑफ अदर पर्सन, आपको उसको भी ड्यू कंसिडरेशन में लेना है। सो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, वो जो चीज है वो आपको उसको फॉलो करना है। तो किसी भी तरीके से पर्सन की डिग्निटी, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो इमेज है, आप उसको स्पॉइल ना करें, ठीक है। तो दीज आर दी वेरियस फॉर्म्स, इतने अलग अलग, जैसे अब मैं वही अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, वो रिपोर्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, वो प्रोडक्ट डिस्क्लोजर के फॉर्म में हो सकता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के फॉर्म में हो सकता है। तो इन सभी फॉर्म्स पर बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकता है। और यहां पर जो भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं, चांसेस आर देयर कि कुछ थिंग्स मे गो अप एंड डाउन, तो उस वजह से आपको बहुत केयरफुली इन सभी के साथ डील करने की जरूरत होती है। अब अगर मैं बात करता हूं लाइक क्या लीगल रिस्क इन्वॉल्व होती है, किस तरह का लाइक एक्शंस, ठीक है, हो सकते हैं, तो अगर मैं लीगल रिस्क की बात करता हूं, तो पहला जो है दैट इज डिफेमेशन, फेम डिफेम। फेम की अगर मैं बात करता हूं, प्रसिद्धि, लाइक सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी। अब डिफेमेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ऐसी कोई भी, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो आप देते हैं जिससे कि किसी पर्सन की, ठीक है, जो उसकी फेम है वो स्पॉइल हो जाए, ठीक है। तो अगर आप यहां देखोगे, डिफेमेशन जो है, इट इज अनकंसेंटेड या अनप्रिविलेज्ड पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स आइडिया। किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में, किसी भी कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर किसी तरह का एक गलत मैसेज आप पास ऑन कर देते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो जो है डिफेमेशन के अंदर जाता है। दो तरीके से हो सकता है, या तो वो ओरल हो, ठीक है,
और या फिर वो रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। तो पर्सन के नॉलेज में होते हुए या ना भी होते हुए, उसके कंसेंट के बिना अनकंसेंटेड लिखा हुआ है, दैट मींस द पर्सन हैज नॉट अप्रूव्ड अ सर्टन थिंग। ठीक है, मेरे बारे में आपने किसी को कुछ कह दिया और मैंने उसको अप्रूव नहीं किया है, तो वो अनकंसेंटेड एंड अनप्रिविलेज्ड। द पर्सन हैज नॉट गॉट एनी राइट टू पब्लिश सर्टन थिंग्स। तो जहां पर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है कुछ कहने का, कुछ बताने का, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते ना ब्रांड एम्बेसडर्स होता है, लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स जो है उनके पास कहीं ना कहीं दे आर हैविंग दैट प्रिविलेज और राइट कि वो कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपके पास कोई राइट नहीं है किसी चीज को एक्नॉलेज करने का, किसी चीज को डिसअप्रूव करने का, किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहने का, और ऐसे में अगर आप क्या करते हैं कोई एक नेगेटिव चीज, कोई भी एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा हो सकता है, कोई भी एक नेगेटिव या फॉल्स ओपिनियन हो सकता है, तो जब एक फॉल्स आइडिया को आप पब्लिश कर देते हैं बिना कंसेंट के, तो वो डिफेमेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, देन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अगर मैं प्राइवेसी की बात कर रहा हूं, दैट मींस पर्सनल स्पेस की बात कर रहा हूं, तो उस पर्सनल स्पेस में अगर आप जाते हैं, अगर कोई आपकी पर्सनल स्पेस में इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है, तो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस इन यू कैन से प्राइवेट मैटर्स या फिर प्राइवेट लाइफ, तो इट इज अनकंसेंटेड, अनप्रिविलेज्ड एंड अनरीजनेबल इंट्रूशन इनटू प्राइवेट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइक कोई किसी तरह का पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के बारे में रिवील कर देता हूं, ठीक है, तो वो भी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होगी बिना कंसेंट के। ठीक है, दैट हैज टू बी देयर, वो चीज है अनकंसेंटेड, अनप्रिविलेज एंड अनरीजनेबल। या फिर अगर हम किसी पर्सन के नेम को यूज करते हैं, मैं किसी के नाम का गलत इस्तेमाल अगर करता हूं, तो वो भी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर जाता है। अगर मैं किसी तरह के पर्सन के रिकॉर्ड्स को, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसके रिकॉर्ड्स को रिव्यू करता हूं विदाउट एनी प्रायर परमिशन, तो वो भी इंट्रूजन या इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर जाएगा। तो किसी भी पर्सन के पर्सनल लाइफ, पर्सनल इश्यूज, पर्सनल मैटर्स, पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर इनके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं चीजों को, आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अगर आप इनडेप्थ में चले जाते हैं और उन चीजों को आप हियर एंड देयर शेयर कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते, तो वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर जाता है। देन फ्रॉड, फ्रॉड धोखाधड़ी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, किसी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं और वो इंटेंशनल है, फ्रॉड की पहली जो एक हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इट इज इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। तो वो क्या है, एक इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन है, और किस चीज का है या किसके रिस्पेक्ट में है, कोई एक मटीरियल फैक्ट, तो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, उसके यूसेज से जुड़ा हुआ, ठीक है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उससे जुड़ा हुआ अगर किसी तरह का एक इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन आप देते हैं क्लाइंट्स को, आप डिसीव अगर करने के पर्पस से, उनका जो है कंसेंट लेने के पर्पस से, अगर कोई मटेरियल फैक्ट, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत मोल्ड करके आप पुटअप करते हो किसी के सामने, तो वो क्या होगा, फ्रॉड के कैटेगरी में जाता है। पर्पसफुली अगर आपने किया हुआ है, इंटेंशनली या नोइंगली अगर आप करते हो, ठीक है, जान करके अगर आपने ऐसा किया हुआ है, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक कोई प्रोडक्ट है, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको पता है बट आपने बताया नहीं, ठीक है, आपने वो चीज हाइड किया, इंटेंशनली किया, तो वो क्या होगा, वो भी एक तरह का फ्रॉड होगा। आपको पता है कि प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, वो डिफेक्ट आपने नोटिस में नहीं लाया, जो भी लेट से बायर है उसके नोटिस में आपने वो चीज नहीं लाई है, आपको पता है डिफेक्ट है बट आपने बताया नहीं कि डिफेक्टिव है, ठीक है,
तो वो क्या है, वो एक तरह का फ्रॉड होगा। अब डिफेक्ट वो एक मटेरियल फैक्ट है, ठीक है, देखिए उसको आपने इंटेंशनली पर्पसफुली क्या करा है, कम्युनिकेट नहीं किया है, तो वो क्या है, फ्रॉड कहलाएगा। और अगर आपने फ्रॉड किया है तो यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है, तो वो फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होते हैं वो आपको फेस करने को मिलता है। फिर क्रेडिट कलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, लाइक आप देखते हो बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स होते हैं, ठीक है, रिकवरी एजेंसीज होती हैं। रिकवरी एजेंसीज क्या करती है, जो आपके जब क्रेडिट सेल्स की हम बात करते हैं तो वहां पर आप देखते हो कि उस बैक डेब्ट को, बैड डेब्ट को, या जो भी आपका है जो क्रेडिट आपने दिया हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, क्रेडिट कलेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर नॉर्मली जो आप प्रैक्टिस में चीजें देखते हो दैट वो जो रिकवरी टीम है वो जाती है एंड दे यूज टू थ्रेटन द अदर पर्सन, वो या तो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, दे यूज टू अब्यूज देम, ठीक है, तो उस तरह की प्रैक्टिसेस आपको नहीं करना है। इवन दो अगर कोई डिफॉल्टर है भी तो यू हैव टू कम्युनिकेट हिम पोलाइटली, आप उससे बात करें, आप उससे बहुत ज्यादा फाउली लैंग्वेज में बात नहीं करें, ठीक है, किसी तरह के आप बैड वर्ड्स यूज नहीं करें, अब्यूज ना करें उसको, ठीक है, तो वो चीजें हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर ऑन दी लाइक रॉन्ग साइड, आप गलत साइड पे हो, तो आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। तो किसी भी तरह का हार्श कम्युनिकेशन, किसी भी तरह के पर्सनल रिमार्क्स, पर्सनल स्टेटमेंट्स, वो आपको अवॉइड करने हैं। देन अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में भी सेम चीज अप्लाई होती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जब तक आपके साथ कोई पर्सन एसोसिएटेड है या इवन उसके बाद भी जब बात आती है, तो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए या इन ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बात करता हूँ, या इवन आफ्टर द पर्सन हैज मे बी रिजाइंड और ही हैज बीन टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स या व्हाटएवर इट मे बी, बट स्टिल हर एक केस में जब मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो वहां पर आपको वही डिग्निटी मेंटेन करके चलनी होती है, ठीक है। एम्प्लॉय चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपको उसके साथ पॉजिटिव वे में बिहेव करना, उसको पॉजिटिवली आपको ट्रीट करना है। इवन अगर उसके ऊपर किसी तरह के चार्जेस हैं, कोई डोमेस्टिक इंक्वायरी उसके अगेंस्ट कैरी आउट की जाती है, ठीक है, किसी तरह का लाइक हम कह सकते हैं कि मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट या सबोटेज ऑफ सम प्रॉपर्टी, अगर इस तरह के एक्ट्स में वो पर्सन इन्वॉल्व भी है और आप उसके अगेंस्ट कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले भी रहे हैं, बट वो लेने के लिए भी जो आप इंक्वायरी के लिए आउट करते हो उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी अपनी प्रोसीजर होती है, तो उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, आपको उसको वार्निंग देनी है, आपको उसको नोटिस इशू करना है, आपको डिसिप्लिनरी जो इंक्वायरी उसके अगेंस्ट कंडक्ट होने वाली है आपको उसके बारे में उसको अवेयर कराना है। तो ईच एंड एवरीथिंग